लॉगरिथमिक मैथ से मल्टीप्लाई बाय 5 की सीखेंगे हम लोग तरीका इजी वे, ठीक है। तो सपोज करिए मैंने लिया 28, यहाँ पे क्या लिया मैंने 28, यहाँ पे मैंने ये पूरी एक इक्वेशन बना रखी है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो लिख दिया है ना, क्वेश्चन तो लिख दिया, लेकिन अब ये 14 कहाँ से आया? तो ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 28 है, हमारा नंबर ये 28, इसका जब हम हाफ कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा आंसर, है ना। मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 28 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 14, है ना। अब जो हमारा आंसर आया 14, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, फिर हमारा आंसर आ गया 140। तो ये था इजी, ये है इजी वे फॉर मल्टीप्लीकेशन बाय 5 विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 42, तो इसमें भी हमारा सेम ही प्रोसेस होगा क्योंकि ये दोनों नंबर ही 5 से मल्टीप्लाई होने को कह रहे हैं, है ना। तो फिर हम लोग 42 जो हमारा नंबर आया है, आई हैव टेल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जो 42 का नंबर है वो उसका हाफ यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर आया 21, ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा 21। फिर जो आंसर आया उसकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 210, क्या आया 210। तो हमने 5 की मल्टीप्लिकेशन इतने इजी से सीख ली, वो भी वैदिक मैथ्स की हेल्प से। अब मैं आपको थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन देना चाहूंगी, आप भी रेडी है ना। तो ये आपका टफ सा क्वेश्चन, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये है इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो जो 25 है ये वो एक ऑड नंबर है क्योंकि इसका जो लास्ट का रिजल्ट है वो है 5, है ना। तो ये ऑड नंबर हो गया ना, तो इन जैसे ऑड नंबर को ये हमारी डेसिमल वाली हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, करते हैं ना हम लोग इन वाले करते हैं। तो मेरा डेसिमल में आंसर आ गया 12.5। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो मेरा आंसर आया 125, क्योंकि जब यहाँ पे जीरो जब जाएगा तो फिर जो ये 5 है ना वो यहाँ पे आ जाएगा और जो 5 से पहले होता है वो होगा हमारा आंसर, हो जाएगा ना फिर हमारा ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमारा आ गया 125 एक आंसर। तो बच्चों अब हम लोग 25 के मल्टीप्लाई सीखेंगे, वो भी इजी वे में विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स ट्रिक। तो मैंने सपोज एक नंबर लिया है, तो मैंने देख सकते हैं मैंने इसकी भी इक्वेशन बना रखी है एक, तो मैंने क्या नंबर लिया है देख सकते हैं, जैसा कि आप 48 लिया है, मैंने 48 लिया है ना, 48 तो लिया है। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई हमें 25 से करनी है। अब आप क्या होगी, इतना मुश्किल तो हम कैसे करेंगे, दो डिजिट से मल्टीप्लाई। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसका जो आधा होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो मेरा जो इसका आधा है वो है 24, ठीक है, जैसा देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 24 आपके लिए, ठीक है। अब जो हमारा आधा आ गया इसका, अब हम लोग उसका भी आधा कर देंगे, उसका भी आधा कर देंगे। तो मेरा फिर आंसर आया 12, क्या आंसर आया मेरा 12, है ना। अब हम लोग 12 की मल्टीप्लिकेशन 100 से करेंगे, जैसे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन 10 से की थी, है ना, इसमें हम लोग लेके 100 से करेंगे, 100 100, ठीक है। अब जो फिर मैंने 2 के बाद 0 लगा लिए और मेरा ये ना आंसर, ठीक है। तो हमने बाद में एक एक और आपसे टफ क्वेश्चन पूछूंगी। तो अब हम लोग इजी वे से मल्टीप्लिकेशन बाय 99 सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 81 और उसमें से 80 उसको हम लोग माइनस कर लेंगे 99 से, फिर मेरा आंसर आया 90 और उसके बाद मैंने 80 के बाद 90 लिख दिया, हमारा इतने इजी वे में आंसर भी आ गया। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। तो आपका टफ क्वेश्चन है 8 × 99, आपको अपने सिंपल वे से आता है, लेकिन अगर हम लोग अपने इजी वे से कर ले तो हमारा आंसर 792 आएगा। कैसे,
क्योंकि मैंने 8 माइनस 1 किया तो मेरा आंसर आया 9, फिर जो ये 7 है उसमें से मैंने माइनस मतलब 99 में से मैंने 7 माइनस किया तो मेरा आंसर आया 92, और ये मेरा पूरा आंसर बन चुका 792। तो बच्चों अब हम लोग इजी वे में मल्टीप्लिकेशन बाय 11 सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिया है नंबर 24 और जिस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी उस मेथड का नाम है डॉट मेथड, ठीक है। तो अब मैंने लिया 24 है ना, और इसके मैंने आगे और पीछे डॉट लगा दी है, ठीक है, डॉट लगा दिया। और इस मेथड डॉट मेथड में एक डॉट की वैल्यू 0 मानी जाती है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट की वैल्यू 0 मानी जाती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ और यहाँ डॉट लगा दी। अब हम लोग 2-2 के पेयर्स बनाते रहेंगे पीछे की डिजिट से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पीछे की डिजिट क्या है, 4 और 1 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो मैं इस कारण इसको 0 का। बच्चों अब हम लोग इजी वे से मल्टीप्लिकेशन बाय 11 सीखेंगे, और जिस मेथड से मैं अब आपको बताने वाली हूँ उस मेथड का नाम है डॉट मेथड, ठीक है। तो मैंने लिया है नंबर 24, ठीक है, और 24 में कितने डिजिट है 2, तो मैंने यहाँ और यहाँ पॉइंट्स लगा दिए है, तो जो मैं डॉट मेथड बता ली हूँ उसमें एक पॉइंट की वैल्यू 0 मानी जाती है, एक पॉइंट की वैल्यू 0 मानी जाती है। तो मैंने यहाँ और यहाँ 0 बना दिया है ना, 0 क्यों, क्योंकि ये पॉइंट 0 मानते हैं, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2-2 के हमें पेयर्स बनाए और उनको प्लस कर कर ऐसे लिखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, अब मैं इसमें प्लस करूंगी 0 और 4 को, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ प्लस किया इसको और इसको तो मेरा क्या आया आंसर 4, है ना, तो हमारा लास्ट का डिजिट बना, है ना। अब मैंने क्या किया, 4 और 2 को मैंने प्लस कर दिया तो आंसर बना मेरा 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब मैंने 2 और 0 को प्लस किया, फिर से मेरा आंसर आया 2, है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा आंसर क्लियर हो चुका है 264। स्टॉप करो, अरे स्टॉप करो, मैं पूरा हीटर हिला दिया, नहीं हिलाया। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एक कैली का क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इसी फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने लिया है नंबर 64, ठीक है, मैंने लिया नंबर 64, है ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया था इसमें भी पॉइंट्स की वैल्यू 0 होती है ना। तो मैंने यहाँ और यहाँ 0 लगा दिया, इसमें भी हमें पेयर्स ही बनाने हैं, क्योंकि साइलेंट डॉट मेथड के जितने भी क्वेश्चन होंगे 11th की मल्टीप्लाई से उसमें हम लोग पेयर्स बनाकर प्लस कर ही होता है, है ना। तो मैंने 0 और 4 को प्लस किया, 0 और 4 को जब मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आया 4, यस yes? अब मैंने इसको और इसको प्लस किया, 6 और 4 को प्लस किया तो यहाँ पे मैंने किया तो मेरा आंसर आया 7, ठीक है। तो ये था हमारा, दीदी ऐसे क्यों बैठी हो, फिर ऐसे मैं भूल रही सब कुछ, स्टॉप करो। अब हम लोग पढ़ेंगे आलंब मॉडल, ठीक है। जिस आलंब मॉडल में हम लोग करेंगे, है ना, तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज है कि हमें 2 डिजिट से 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस आलंब मॉडल की हेल्प से, ठीक है। तो 10 और दूसरा है जो कि 10th प्लेस है ना, उनका जब हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर 10 ही आना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। और जो 1th प्लेस है हमारी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेम रखी है 1th प्लेस को, है ना, सेम है, और मैंने 10th प्लेस की जो है 9 और 1 रखा है, और जब हम लोग 9 और 1 को प्लस करते हैं तो आता है 10 आंसर, है ना। अब हम लोग सीखते हैं, तो मैंने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, आंसर आया 1, लेकिन मैं 1 नहीं लिखूंगी क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में आंसर लेना है, इस कारण मैं 0 1 लिखूंगी, ठीक है, मैं 0 1 लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो सबको ही पता है 9 होगा, लेकिन हम लोग इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये वाला 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 10, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और हमारे से आंसर हो गया इतनी इजीली।
हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे। तो मेरा सेकंड एग्जांपल है 64 मल्टीप्लाई बाय 44, ठीक है। तो वही हमें करना है, क्लिक वही है ना। 4 4 जा कितने हुए हमारे 16 और 6 4 जा 24। लेकिन इसमें आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हमने 1 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे है 4, तो इसका हम लोग 4 ऐड कर देंगे।